उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और पूर्व MLC डॉक्टर नेपाल सिंह के निधन की खबर जैसे ही मुरादाबाद वासियों को मिली तो हर जगह शोक की लहर दौड़ गई। मुरादाबाद में कई जगह श्रद्धांजलि सभाएं भी आयोजित कराई गई और साथ ही उनके किए गए कार्यों की सराहना भी की गई। अलीगढ़ के एक गाँव के वो रहने वाले हैं जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होना है। जैसे ही शव यात्रा कई जगह रोडों पर निकली तो हर जगह फूलों की वर्षा के साथ उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। मुरादाबाद के बिलारी तहसील में जैसे ही शव यात्रा पहुंची तो सभी लोगों ने फूलों की वर्षा के साथ उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। उनका ये कहना था कि उनके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से ये है मुरादाबाद मंडल आज विकास की ओर दिखाई देता है। बिहारी प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहने के अलावा 5 बार MLC रहे रामपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉक्टर नेपाल सिंह का पार्थिव शरीर बिलारी के रास्ते उनके पैतृक गाँव अलीगढ़ में अतरौली के निकट चंदौला ले जाया गया। उनके आगमन की सूचना पर उनके तमाम समर्थक और भाजपाई गांधी पार्क के निकट जमा हो गए और उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी की जुबान पर एक ही बात थी कि ऐसे सादगी, मिलनसार, बिना भेदभाव सबको गले लगाने वाले ऐसे नेता कम ही होते हैं। जनमानस के हृदय पटल पर उनकी छाप हमेशा अंकित रहेगी। तमाम लोग उनके द्वारा जनहित में किए गए कार्यों का जिक्र करते भी दिखाई दिए गए। स्कूल कॉलेजेस की मान्यता देने में उन्होंने बड़ी उदारता बरती। जनता के दुख दर्द का हमेशा ख्याल रखा। लॉकडाउन की वजह से लोगों ने दूर से ही उन्हें पुष्प अर्पित किए और एक एक करके दर्शन किए। यहाँ से काफी लोग उनके साथ अंतिम यात्रा में अलीगढ़ जाना चाहते थे परंतु प्रशासन की अनुमति नहीं होने के कारण नहीं जा सके। सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बहुत शोक की सूचना प्राप्त हुई कल आपके माध्यम से, सिटी न्यूज के कासिफ खान के माध्यम से। बहुत दुख की घड़ी है उनके परिवार के लिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो MLC भी रहे हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। 30 साल MLC रहे, उन्होंने काफी अच्छे कार्य किए। शिक्षा विभाग में रहकर खूब उन्होंने मान्यता दी स्कूलों को, खूब विद्यार्थियों के जीवन की उन्नति के लिए काफी प्रयास की। क्या मानते हैं उनकी उनकी कमी को दूर किया जा सकता है? नहीं, उन जैसे नेता, हाँ उन जैसे नेता बहुत कम होते हैं। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, नगर अध्यक्ष के गुप्ता, मुन्ना क्षेत्रीय डॉक्टर विश्वास शर्मा, डॉक्टर विजय शर्मा, मुकुल पांडे, राजीव कुमार शर्मा, बाबूराम लोधी, विश्वास उर्फ लवली यादव, सुनील आर्य, सुबोध गुप्ता, मनोज ठाकुर, मेघवाल सिंह, आदित्य प्रताप शाके, श्रीकांत गुप्ता, महेश गुप्ता आदि थे। और कितने और इन्होंने पूरी जिंदगी अपना निस्वार्थ सेवा की। इनके आज जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। MLC रहे, MP रहे, जो भी इनके पास पहुंच गया, इनकी विशेष बात थी, जो भी इनके पास पहुंच गया उसकी मदद इन्होंने जरूर की है। और बिना तो इसलिए आज जो क्षति हुई है मनोज, जिसका हमारा सबको दुख है और इस पर उनके आत्मा शांति देखा, इसके लिए हम सबको जो है।